सम्मानित भाई और उपस्थित सभी दूर दूर से आए यहाँ किसान भाइयों को मेहमान करता हूँ। अभी हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे और यही बात हुई कि जो मंच पे लोग बैठे हैं विभिन्न दल के लोग हैं वो उससे मिला और समय की सबकी सीमा है क्योंकि कहीं ना कहीं सबको इसके बाद भी कहीं फंक्शंस में लोगों के बीच में जाना है तो मैं कोई लंबी बात याद नहीं करूँगा। सीधी सी बात है विनायक जी हम सब रही हैं जो आपने काम करके दिखाया। मैं इसे इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि आज के युग में आधुनिक युग है कहने को पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में है हम सब की एक दूसरे से तारे जुड़ गई हैं कम्युनिकेशन की नई नई विधि आ रही है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे की खबर रख पाते हैं। दिल्ली में बैठे बैठे दुनिया की तस्वीर आपके आगे खुल जाती है लेकिन हम एक दूसरे के करीब और पास नहीं आ रहे दिलों में मिलाप नहीं हो रहा वास्तव में हम एक दूसरे के बहुत दूर जा रहे हैं। इस आधुनिक युग में सब कुछ क्षणिक है कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हमारे मोहल्ले में कोई अगर मर जाता है उसके लिए हम अपने घर में कोई मर जाता है तो उसके लिए हम शोक व्यक्त करते हैं वे शोक क्षणिक है और इनके अंदर जो गुस्सा आता है कि सरकार ने काम नहीं किया सरकार ने धोखा दे दिया वह गुस्सा तो क्षणिक है वे लास्ट नहीं करता पर वह जो स्थायी नहीं है जो मतदान करने वही आदमी जाता है कि सरकार सिपाही दे रहा है वह मुद्दे उसके दिमाग में क्या चल जाए मालूम नहीं किसी सब चीज क्षणिक होते जा रही है। और ऐसे में विनायक साहब ने जो काम किया है और देश की राजधानी में उन मासूम बच्चों को खड़ा करके क्योंकि हम लोग जो नीति में काम करते हैं हम लोग आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं बात कहने के लिए अपने विचारों को पब्लिक में संचार कैसे हो लोग उससे जुड़े कैसे हम आंकड़ों का इस्तेमाल रिपोर्ट बनती है सरकारी दस्तावेज तैयार होते हैं उसमें कह दिया जाता है कि इतने हजार करोड़ रुपए हम लोग लगातार कह रहे हैं इस देश में कैसी हमने व्यवस्था चलाई है जो हजारों किसान और औसत रूप से 14-15 हजार किसान हर वर्ष जो है आत्महत्या करते हैं लेकिन वो एक महज आंकड़ा बन के रह जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग ज्यादा ध्यान ज्यादा गौर किसी चीज पे ज्यादा देर तक करते नहीं पन्ना बदल जाता है अखबार हमने पन्ना बदल दिया और दूसरी खबर में हम ध्यान बदल ये आधार माना है कि विराट कोहली और अनुष्का की शादी क्या हुई और क्या उसमें बोला और प्रियंका चोपड़ा ने क्या ट्वीट कर दिया मेरे पीढ़ी के नौजवान उससे और जो पीढ़ियां आ रही है हम लोग उन चीजों को देखकर और पढ़कर ज्यादा आंदोलन हो जाता है। वो आंकड़ा क्या है वे कौन लोग हैं वे कौन परिवार है जिनके लोग इतने आज मजबूर हो गए थे तो सबसे कठोर फैसला कोई नहीं सकता है फैसले को कोई सही नहीं कह रहा तो मजबूरी है वे लोग कौन है उन चेहरों को आपने उजागर करने का काम किया और देश के राजधानी में लाकर खड़ा कर दिया ताकि हम जैसे लोग अपना मुंह नहीं मोड़ पाए और हमारे आंखों में वे तस्वीर वह चेहरे उनकी मासूमियत वह हमारे दिल में बैठ जाए ये विनायक साहब का एक ये मानवता होती है। आजकल लोग अपनी जमीन बेचते हैं तो सामान परिवार का आदमी जनता कहता है मोटरसाइकिल खरीदूं मैं गाड़ी खरीदूं समाज में काम करने वाला आदमी सोचता है चुनाव लड़ूं आपने जमीन बेच करके गांव के लोगों को राहत देने का काम इससे हम सबको सीखना चाहिए और समाज में ये दो तरीके होते हैं एक तो आप व्यक्तिगत तौर से राहत दें कर सकते हैं हर संभव प्रयास करें करेगा दूसरा ये है कि क्योंकि समाज अपने चुने हुए प्रतिनिधियों में दबाव बनाए अपने सरकारों में दबाव बनाए उसे आप एक्टिविज्म कहिए उसे आप राजनीति कहिए ये भी हम सबकी अलग अलग सोच हो सकती है संगठन अलग अलग हो सकता है लेकिन किसान के विषय को लेकर हम सब साथ चलते हैं और आज हम सब साथ चलते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं क्योंकि दो ऐसे विषय हैं जो अभी हाल में उठे हैं उन्हीं
पे अपनी बात करके अपनी बात को वाणी को समाप्त करूंगा। एक विषय वो है जो आज ही अखबारों में छपा है, यूपी कैबिनेट ने कल फैसला, और कोई बड़ी खबर नहीं है, छोटी सी ही है, आधे कॉलम की भी खबर शायद आए टाइम जो इंडिया में अंग्रेजी के अखबार में सिर्फ उसमें छपी और एक आध हिंदी के अखबार में। ये है कि यूपी कैबिनेट ने कल फैसला किया कि ग्राम सभा की जमीन ठीक है, नया कानून बन गया तो बात है, लेकिन जब फिर मोदी जी जब आए पहला काम उन्होंने क्या किया, लोकपाल ने बनाया, 15 लाख घासे लाने की कोई व्यवस्था नहीं की, 1.5 गुना किसान को लाभकारी मूल देने की कोई व्यवस्था नहीं की। पहला काम उन्होंने प्राथमिकता अपनी सरकार में ये बनाई थी कि ये जो कानून बना है इस पूरे सरकार की सफलता की एक ही कसौटी है, रिफॉर्म की एक ही कसौटी है कि इस कानून को हम तहस नहस करें, इस कानून को बदलना होगा, वरना हमारे देश में कोई निवेश नहीं करेगा, कोई कारखाना नहीं लगेगा, कोई रोजगार नहीं होगा, कहीं घर नहीं बनेगी, कहीं गाँव में बिजली घर का निर्माण। ये उन्होंने अपने सूचना तंत्र के माध्यम से और झूठ बोल बोलकर इस बात को आंदोलन को सरल से बोले, यूपी में मैंने यात्रा निकाली, सब लोगों ने विरोध किया, सरकार पीछे हट गई, हमने सोचा चलो ठीक है, देश का किसान सुरक्षित है, देश के किसान की जमीन सुरक्षित है, भू मालिक भू स्वामी से पूछ कर ही वह सरकार अधिग्रहण करे, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से, जो चालाक आदमी होता है जब जब जेब काटनी होती है तो सीधे काटनी होता, आपके जेब से आपके हक को मारने लगा, सरकार ने कहा ठीक है हम राज्य सरकारों पे छोड़, कितना मुआवजा देना है, किसान की अनुमति लेनी है कि नहीं, आज से हमारे राज्य की सरकारें करें, आज उस समय नहीं समझा, हमने फिर विधानसभा चुनाव में कहा कि भैया अगर ये लोग आ जाएंगे तो क्या करें, यूपी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ग्राम सभा की जमीन अगर यूपी की सरकार पार करे तो 4 गुना मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार ने काफी। मैंने यात्रा के सबने एक खबर पढ़ी आज, एक तो मैं अपना विषय का विरोध दर्ज करना चाहता हूं और दूसरा मैं आपके लोग अवगत है कि यूपी से बहुत लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने में 2 बार बिजली की दरें सरकार ने और ग्रामीण उपभोक्ताओं पे 250 से लेकर 350% की बिजली सरकार ने कर, सरकार का आंकड़ा यह है कि इस तरह से जो आपकी वितरण की जो संस्था है उसमें घाटा का घाटा पूरा हो जाएगा, 11.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व सरकार कमाएगी, 11.5 करोड़ रुपए जो इस वृद्धि से सरकार के पास आने उसमें से लगभग 80% जो है वह ग्रामीण उपभोक्ताओं से लिए। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की किसान की औसत आय 4,923 रुपए है, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, वे कौन किसान है जो 2,000 रुपए ट्यूबवेल के लिए दे देगा और घर के बिजली के लिए 850 रुपए का बिल दे सकता, जिस किसान की आय 5,000 रुपए से तो कहां से इतना दे चुका कर। तो हमने फोल फोल धावा फोल का नाम किया है आंदोलन, हम यूपी में करेंगे, कहना चाहता हूँ आप सबको आमंत्रित करता हूँ उस आंदोलन में भी, आप सब लोग पार्टी से अलग रखे विचार करते हैं उसको उद्देश्य अलग रखे इस आंदोलन में।